गुड इवनिंग एवरीवन आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कोल्ड वॉर चैप्टर के जो वन मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था वन मार्क पे व्हाट इज कोल्ड वॉर कोल्ड वॉर का मतलब क्या है कोल्ड वॉर इज़ एन अनफ्रेंडली पोलिटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज कोल्ड वॉर का मतलब है एक रिलेशनशिप ठीक है एक रिलेशनशिप जो फ्रेंडली नहीं है किस किस के बीच दो कंट्रीज़ के बीच इसको बोला जाता है कोल्ड वॉर इन इंटरनेशनल रिलेशन कोल्ड वॉर मीन्स द रवलरी दैट एगजिस्टेड बिटवीन टू सुपर पावर्स यू एस एंड यू इंटरनेशनल रिलेशन मतलब इंटरनेशनल पोलिटिक्स पे ठीक है इंटरनेशनल वर्ल्ड पोलिटिक्स पे कोल्ड वॉर का मतलब है जो राइवेरी हम लोगों को देखने को मिला था ठीक है जो शत्रुता हमें देखने को मिले था मिला था दो सुपर पावर्स के बीच दो सुपर पावर्स का नाम क्या है द यू एस एंड द यू एस ए सर कोल्ड वॉर एक अनफ्रेंडली पोलिटिकल रिलेशनशिप है मतलब दोनों सुपर पावर्स एक दूसरे को दोस्त नहीं मानते थे अनफ्रेंडली पोलिटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज दो कंट्रीज़ के बारे में बात किया गया है दो कंट्रीज़ का नाम है यू एस एंड यूएसए सर इंटरनेशनल पोलिटिक्स पे या फिर हम लोग बोल सकते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे कोल्ड वॉर का मतलब ये है कि जो राइवलरी जो शत्रु था दिखने को मिला था दोनों सुपर पावर्स के बीच यू एस एंड द यूएसए सर के बीच उसको बोला जाता है कोल्ड वॉर कोल्ड वॉर इज रेफर्ड टू द कॉम्पिटिशन The tension and a series of confrontation between two superpowers, USA and USSR, backed by their alliances, respective alliances. और एक मतलब क्या है मतलब यहाँ पे मैंने और देखे और एक दिया है क्योंकि आ, अगर तुम लोगों को वो नहीं सीखना है तो इससे कवर अप कर सकते हो तो कोल्ड वॉर का मतलब है कोल्ड वॉर इज़ ए कॉम्पिटिशन यहाँ पे कोल्ड वॉर पे क्या होता है कॉम्पिटिशन होता है एक टेंशन क्रिएट होता है कि शायद एक सुपर पावर दूसरे सुपर पावर के ऊपर अटैक कर सकता है वो पूरे वर्ल्ड में एक टेंशन था ए सीरीज़ ऑफ़ कॉन्फ्रंटेशन कॉन्फ्रंटेशन मतलब आमने सामने आना जैसे क्यूबान मिसाइल क्राइसिस दोनों सुपर पावर्स एक दूसरे के सामने आ गए थे तो आमने सामने आना ए सीरीज ऑफ कॉन्फ्रंटेशन एक बार नहीं आया था बहुत बार आया था ठीक है इसलिए बोला गया है सीरीज़ सीरीज़ ऑफ़ कॉन्फ्रंटेशन दोनों सुपर पावर्स एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे बहुत बार दोनों सुपर पावर्स एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे हैं एक पूरा वर्ल्ड में एक सिचुएशन जो है वो टेंशन भरा सिचुएशन हो गया है ठीक है बिटवीन टू सुपर पावर्स दोनों सुपर पावर्स के बीच दोनों सुपर पावर्स का नाम क्या है यूएसए एंड यू एस ए सर बैक्ट बाई दियर अलायंसेस अभी यू एस ए और यूएसए सर को कौन सपोर्ट कर रहा है उनका जो अलायंसेस है नेटो एंड वर्सअप एक्ट वो सपोर्ट कर रहे हैं ठीक है ठीके? तो यहाँ पे बोला गया है कि कोल्ड वॉर का मतलब है एक टेंशन एक कंपटीशन, एक सीरीज ऑफ कॉन्फेंटेशन मतलब आमने सामने आना दोनों सुपर पावर्स जो कर रहे हैं एक दूसरे के साथ बैक्ट बाय रेस्पेक्टिव अलायंसेस और सुपर पावर्स को कौन बैक कर रहा है कौन सुपर पावर्स को हेल्प कर रहा है उनके जो अपने जो अलायंसेस है जैसे यू का हो गया नेटो वर्स वर्सोपैक्ट वर्स हो गया यूएसए सर का वही चीज़ नेक्स्ट क्या है वेन डिट कोल्ड वॉर बिगिन कोल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर व द बिगेनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर जब सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था एंड हुआ था तभी कोल्ड वॉर का स्टार्टिंग हुआ था कोल्ड वॉर बिगेन इन दर् इन द ईयर 1945 कोल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1945 पे लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं तुम लोग को बोल के दे रहा हूँ कि सभी जगह पे एन पे या फिर तुम लोग के बुक पे भी लिखा है 1945 और 1945 लिखने से तुम लोग को मार्क्स भी मिल जाएगा लेकिन एक्चुअली जो है कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1947 से ठीक है ये जब इन uh, फ्यूचर अगर तुम लोग पोलिटिकल साइंस को लेकर पढ़ाई करते हो तब तुम लोग को पता चलेगा नेक्स्ट क्या है वॉट इज़ मैंशन द ड्यूरेशन ऑफ़ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ड्यूरेशन मतलब कब से कब तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो कब से कब तक हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 तक सेम सेकंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है वो हुआ था 1939 से 1945 तक मैंशन द पीरियड ऑफ़ कोल्ड वार कोल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था या फिर पीरियड या फिर ड्यूरेशन दोनों सेम चीज़ है कोल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था कोल्ड वार पीरियड ऑफ कोल्ड वार वाज़ नाइनटीन फाइव टू नाइनटीन 1945 वन नाइनटीन फाइव से स्टार्ट हुआ था और 1991 नाइन्टी वन पे कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया था हु यूज द टर्म कोल्ड वार फॉर द फर्स्ट टाइम किसने कोल्ड वॉर टर्म को फॉर द फर्स्ट टाइम यूज़ किया था द टर्म कोल्ड वार व फर्स्ट यूज बाई एन अमेरिकन डिप्लोमैट बर्नर्ड बरूच अमेरिका के एक डिप्लोमैट ने बर्नड बरूच उन्होंने क्या किया था कोल्ड वार वर्ड को यूज़ किया था अभी यह डिप्लोमैट मतलब क्या है डिप्लोमैट मतलब है जो इंसान तुम्हारे कंट्री को दूसरे देश पर रिप्रजेंट करता है ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश का जो आ, वो है उस एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है या फिर हमारे देश का जो फॉरेन मिनिस्टर है वही उन्हीं को ही डिप्लोमेट बोला जाता है तो अमेरिका के ही एक ऐसे डिप्लोमेट थे जो अमेरिका को दूसरे देश में रिप्रेजेंट करते थे तो उन्होंने एक सेमिनार में कोल्ड वॉर वर्ड जो है उसको यूज़ किया था फॉर द फर्स्ट टाइम तो उनका नाम था बर्नड बरुच नेक्स्ट इज़ हु पॉपुलराइज द टर्म कोल्ड वॉर द टर्म कोल्ड वॉर वॉज पॉपुलराइज बाय एन अमेरिकन कॉलमनिस्ट वॉल्टर लिपमैन ठीक है अमेरिकन कॉलमनिस्ट का मतलब क्या है कॉलमनिस्ट का मतलब है जो जर्नल्स दैन मैगजी मैगजीन्स जो है मैगजीन्स दैन जर्नल्स दैन आर्टिकल्स न्यूज पेपर्स पे जो जो इंसान लिखते हैं ठीक है आर्टिकल्स आर्टिकल्स ये सब लिखते हैं इनको बोला जाता है कॉलमनिस्ट ठीक है तो उन उनमि अमेरिका के एक ऐसे ही न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट या फिर हम लोग बोल सकते हैं मैगजीन्स में लिखने वाले एक राइटर ने क्या किया था इसको यूज़ किया था कॉलमिस्ट ने यूज़ किया था जिनका नाम था वर्ल्टर लिपमैन तो उन्होंने क्या किया था बर्नट बरूच ने जो कोल्ड वॉर टर्म दिया था उसको और ज़्यादा प्रभावित उसको और ज़्यादा हम लोग बोल सकते पॉपुलराइज जो है वो किया था पॉपुलर किया था लोगों के बीच इनका न्यूज़पेपर्स के माध्यम से मैगज़ीन्स के माध्यम से इस वर्ड को और जो है वो जागरूक किया था नेक्स्ट वन इज़ वॉट इज़ वर्स ऑफ एक्ट वर्स एक्ट का मतलब क्या है ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर द वर्ल्ड वॉज शार्पली डिवाइडेड बिटवीन टू अलायंस सिस्टम कोल्ड वॉर के टाइम पे वर्ल्ड जो है पूरा दुनिया जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था दो अलायंस सिस्टम में बढ़ गया था एक था वेस्टर्न अलायंस और एक था ईस्टर्न अलायंस ईस्टर्न अलायंस वॉज नोन एज वर्स ऑफ एक्ट और ईस्टर्न अलायंस जो है इसको बोला जाता है वर्स ऑफ एक्ट पूरा वर्ल्ड जो है वो दो अलायंसिस में बढ़ गया था एक था वेस्टर्न अलायंस और एक था ईस्टर्न अलायंस तो ईस्टर्न अलायंस को बोला जाता है वाट्सोपैक तो ईस्टर्न अलायंस में कौन कौन से कंट्रीज था यूएसए था सॉरी यूएसएसआर था हंगरी था ये सभी कंट्रीज ने मिलकर वाट्सो पैक को बनाया था व्हाट इज वेस्टर्न अलायंस नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज वेस्टर्न अलायंस द वेस्टर्न अलायंस इंक्लूडेड द यू एस ए मोस्ट कंट्रीज़ ऑफ द वेस्टर्न यूरोप लाइक यूके, फ्रांस इटली बेल्जियम एक्सेट्रा वेस्टर्न एलायस पे कौन कौन से कंट्रीज थे यू था और यू के साथ जो वेस्टर्न यूरोप का यूरोप का दो हिस्सा था एक था ईस्टर्न यूरोप और एक था वेस्टर्न यूरोप तो वेस्टर्न यूरोप के जो कंट्रीज़ है जैसे यू फ्रांस इटली बेल्जियम ये सभी कंट्रीज़ ने मिल बनाया था वेस्टर्न एलायस ठीक है राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग्स ये सभी जो शॉर्ट फॉर्म्स है इनके फुल फॉर्म्स लिखने हैं तुम्हें फर्स्ट वन इज़ यू एस एस का फुल फॉर्म क्या है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स रिपब्लिक नहीं होगा यहाँ पे एस लगाना ठीक है रिपब्लिक्स तो यहाँ पे सोवियत सोवियत यूनियन हम लोग बोल सकते हैं इसको या फिर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक या फिर यूएसएस तो ये था रशिया प्लस फोर्टीन अदर कंट्रीज नेटो का फुल फॉर्म क्या है नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 पे ये फॉर्म हुआ था सीटो का फॉर्म फॉर्म क्या है साउथ ईस्ट एशिया ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन सितंबर 1964 सितंबर 1964 जो है ये हम लोगों को नहीं चाहिए ये काट देना ठीक है क्योंकि ये गलत भी हो सकता है तो साउथ ईस्ट एशिया ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन ही सिर्फ रखो तुम लोग सेंटो सेंटो का फुल फॉर्म क्या है सेंट्रल ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन 1955 ठीक है एन का मतलब क्या है न्यूक्लियर नॉन प्रोलीफरेशन ट्रीटी प्रोलीफरेशन का मतलब है शेयरिंग न्यूक्लियर वेपन एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ शेयर नहीं करेगा सोल्ट सॉल्ट का मतलब क्या है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक स्टार्ट का मतलब क्या है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी सीटीबीटी का मतलब क्या है यहाँ पे थोड़ा गलत है ठीक कर लेना सीटीबीटी का मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव सी ओ एम पी आर ई एच ई एस आई टेस्ट ब्रेन टी टी नाइनटीन नाइन्टी सिक्स इसको इंडिया और उसका नाम क्या है पाकिस्तान ने साइन नहीं किया था एल ओ सी का मतलब क्या है लाइन ऑफ कंट्रोल दो देशों के बीच जो दीवार होता है या फिर बोल सकते हैं दो देशों के बीच दो देशों के जैसे ये हो गया पाकिस्तान ये हो गया इंडिया इन दोनों को जो लाइन दोनों देशों को अलग करता है इसको बोला जाता है एल ठीक है तो लाइन ऑफ कंट्रोल एन न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर नाम नॉन एलाइन मूवमेंट एल डी सी लीस्ट डेवलप कंट्रीज लीस्ट डेवलप कंट्रीज एल टी सी यू एन सी टी ए डी यू एन सी टी ए डी का मतलब क्या है यूनाइटेड नेशन यू एन मतलब यूनाइटेड नेशन सी का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ट्रेड एंड डेवलपमेंट मैंशन वन रीज़न फॉर विच इंडिया हैज़ नॉट साइंड एन पी टी इन नाइनटीन सिक्सटी एट एक रीज़न तुम्हें बोलना है कि जिसके वजह से इंडिया ने एन पी टी को साइन नहीं किया था नाइनटीन सिक्सटी एट पर इंडिया हैज़ नॉट साइंड एन पी टी ऑन द ग्राउंड दैट इट इज डिस्क्रिमिनेशनरी मतलब क्या है डिस्क्रिमिनेटरी इंडिया का बोलना यह था कि एन जो है एन क्या करता है कंट्रीज़ uh, के बीच भेदभाव करता है ठीक है इट अलाउज़ ओनली न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स टू हैव न्यूक्लियर वेपन एंड प्रिवेंट अदर्स फ्राम एक्वायरिंग दैम एन ने क्या किया है उन्हीं उन्हीं स्टेट को न्यूक्लियर वेपन रखने दिया है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन था या फिर जिन जिन कंट्रीज़ ने न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट किया था 1967 के पहले तो उन कंट्रीज़ को एनपीटी ने क्या किया है न्यूक्लियर वेपन रखने के लिए दिया है और बोला है कि बाकी सभी कंट्रीज़ जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रख सकते और एन के हिसाब से न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स कौन कौन से थे यूके यूएसए चाइना फ्रांस एंड यू एस यू के यू एस चाइना एंड फ्रांस देन राइट द फाइव ये यहाँ पे है राइट द नेम ऑफ फाइव न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज पांच न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज़ का नाम लिखना ये क्वेश्चन आता है तुम लोगों को दो मार्क दे के ठीक है तो पांच न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज मतलब जिन कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन था और एल ने इनको न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज बोला है ठीक है कौन कौन से कंट्रीज है यूके मतलब इंग्लैंड यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक देन फ्रांस एंड देन चाइना Why did India uh, Why did India not join either NATO or Warsaw Pact? India ने NATO को भी join नहीं किया है, Warsaw Pact को join नहीं किया है। क्यों join नहीं किया है? India has followed the policy of non-alignment by not joining either NATO or Warsaw Pact. India ने कौन से policy को follow किया है? Policy of non-alignment। मुझे किसी के साथ अलाइन नहीं होना है किसी का एलाई नहीं बनना है किसी का दोस्त नहीं बनना है मुझे इंडिपेंडेंट रहना है क्योंकि इंडिया तब के टाइम पे जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था तब इंडिया ब्रिटिश से आज़ाद हुआ था ठीक है 1947 पे ब्रिटिश से इंडिया आज़ाद हुआ था तो इंडिया को किसी के अंडर पे नहीं घुसना था इंडिया सोच रहा था कि अभी तो मैं सिर्फ आज़ाद हुआ हूँ हु, फिर से जाके अगर किसी के अंडर पर घुस गया तो मैं उन कंट्रीज़ के बारे में ही सोचता रहूँगा ठीक है और उन वो कंट्रीज हमें जो बोलेंगे वही हमें करना पड़ेगा इसीलिए इंडिया ने क्या किया है नेटो एंड वर्सो पैक को ज्वाइन नहीं किया है हुए सोवियत लीडर कन्वर्ट क्यूबा इंटू रशियन बेस कौन से सोवियत लीडर ने क्या किया था क्यूबा को अपना मिलिट्री बेस बनाया था आज ही पढ़ाई किया है हमने निकिता क्विस्टम जो है उन्होंने यहाँ पे निकिता होगा एन के आई टी एन नहीं -E. ठीक है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब हुआ था नाइनटीन सिक्सटी टू पर हुआ था राइट ये और नो कोल्ड वार इज ए कॉम्पिटिशन कोल्ड वार इज ए कॉम्पटिशन यहाँ पे ठीक करो फिर से कोल्ड वार व्पटिशन ये कार्ड ये हो जाएगा कोल्ड वॉर वॉज ए कोल्ड वार व ए कॉम्पटिशन बिटवीन द यू एस एंड द सोवियत यूनियन एंड देयर रेस्पेक्टिव अलायसेस कोल्ड वार का मतलब एक कॉम्पिटिशन जो कॉम्पिटिशन किस किसने किया है यूएस ने किया है और सोवियत ने किया है उनके एलाइज को लेके मतलब वेस्टर्न अलायंस एंड ईस्टर्न अलायंस को लेके या फिर नेटो एंड वार्सोपैक के लेके ये सच है या नहीं हाँ सच है हु वॉज द यू एस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग क्यू एन मिसाइल क्राइसिस क्यूआई मिसाइल क्राइसिस के टाइम पर यू एस के प्रेसिडेंट का नाम किया था जॉनव कैनेडी हेज़ इंडिया साइंड एन पी टी नो इंडिया ने एन पी टी साइन नहीं किया था इंडिया ने बोला था कि यह डिस्क्रिमिटरी है देन वट इज डिटरडेंस डिटरडेंस इज कॉन्सर्न विद प्रीवेंटिंग द वर्ड डिटरडेंस का मतलब है दोनों सुपर पावर्स के पास न्यूक्लियर न्यूक्लियर वेपन्स था तो दोनों सुपर पावर्स ने प्रवेंट किया है वर्ड से हम लोग एक दूसरे के साथ वर्ड नहीं करेंगे लड़ाई नहीं करेंगे

सॉल्ट वन कब साइन हुआ था सॉल्ट जो है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक इसके दो परस दो वर्शन से सॉल्ट वन एंड सॉल्ट टू तो सॉल्ट वन साइन हुआ था 1972 पे सॉल्ट टू जो है वो साइन हुआ था 1979 पे स्टार्ट वन जो है स्ट्रेटेजिक आर्म्स स्ट्रेटेजिक सॉरी क्या है ये स्टार्ट वन स्टार्ट वन जो है वो साइन हुआ था नाइन्टीन पे एंड स्टार्ट टू जो है वो साइन हुआ था नाइन्टीन पे सी टी पी टी कॉम्प्रसिव टेस्टमेंट ट्रिटी जो है वो साइन हुआ था नाइनटीन नाइनटी सिक्स पे द यू एस वॉज कमिटेड टू द आइडियोलॉजी ऑफ यू एस ए का आइडियोलॉजी क्या था आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म यू एस ए कैपिटलिज्म को फॉलो करता था एंड यू एस एस आर कम्यूनिज्म को फॉलो करता था तो देखो यहाँ तक हो गया है हम लोगों का मार्क्स करो अच्छे से ये करने में तुम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जल्दी से ख़त्म कर लो इसको मतलब रखना मत और मैं दो दिन ही दो दिन टाइम दे रहा हूँ दो दिन के अंदर सभी वन मार्क्स के जो क्वेश्चन है ये सभी वन मार्क्स के क्वेश्चन को सीखना खत्म करो ठीक है मैं पढ़ाई लूँगा सभी वन मार्क्स के क्वेश्चन को सीखना खत्म करो चलो बाय बाय एंड टेक केयर